हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं विकी आचार्य, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं जी विकी आचार्य व्लॉग्स। दोस्तों, आज मौसम तो आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे किस तरह का बना हुआ है। देखिए, मैं अपने गांव को तक नहीं देख सकता, इतनी धुंध आई हुई है आज यहाँ पे। और ये सब है, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात आ गई है। बरसातों वाला मौसम हो गया ये, बिल्कुल सेम टू सेम बरसातों में आती है इस तरह की धुंध। नहीं तो आजकल काहे की धुंध है दोस्तों। चलिए, कुछ नहीं है। तो आज का प्लान है दोस्तों मनाली का, गोम्पा रोड का। आज जाएंगे हम लोग मनाली गोम्पा रोड, वहाँ पर एक गंगा पूजन टाइप का कुछ प्रोग्राम है, तो थोड़ी देर में जाना होगा। अभी बस तैयार होना है मुझे और फिर उसके बाद निकलना है। बाकी मौसम देखिए आपके, आप बढ़िया बना हुआ है। वाओ, नाइस। तो पहुंच गए हैं जी हम लोग गोम्पा में, और वहाँ तैयारियाँ चली अभी तक जी। यहाँ से मैं ऐसे खिड़की है वहाँ से देख रहा था, तो चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या क्या हो रहा है नीचे। गाइस, ये रही हमारी आज की रसोई। पहले मैंने सोचा था छोटी होगी, लेकिन ये थोड़ी बढ़ गई है और काफ़ी बढ़ गई है। वो लगा है हमारे चावल के लिए बर्तन, और यहाँ बेसन राई वगैरह रखी हुई है। और सोमेश है आज हमारा साथी। ये काफ़ी लेट हो गया था आज, मैं बहुत जल्दी आया हूँ सुबह। तो रसोई हमारी आधे घंटे में तैयार हो जाएगी, लगभग आधे घंटे में। और चावल का रह जाएगा हमारे पास, सिर्फ चावल, बाकी ओके है। तो सुमेश जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? इतने दिनों बाद आज माल रोड आए हैं आप हमारे साथ घूमने, तो कुछ दो शब्द यही दो शब्द है फिलहाल, तो और कोई है नहीं। लेकिन बस नज़ारा देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हमें, काफ़ी समय बाद आए तो मज़ा आ रहा है। अच्छा, कितने समय बाद? शायद एक महीने बाद आया हूँ। अच्छा, मैं तो कल भी आया था ना, आप तो आए होंगे, पर सुबह आया था आपको तो घर है माल रोड, तो आप आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, फिर हम कभी कभार आते। इसके बगैर तो ब्लॉग ही पूरा नहीं होता मेरा। दोस्तों, अभी बांग में आ चुका हूँ मैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा काम था मुझे, यहाँ पर किसी को रसोई की लिस्ट पकड़ानी थी, तो यहाँ पीछे मेरे पीछे उनकी शॉप है यहाँ पे, तो अभी आया हूँ उनको लिस्ट देकर। और यहाँ पर बारिश लगी है गाइस, बस ये बारिश मुझे बांग से शुरू मिली, उसके नीचे मनाली में अभी तक था। हम मनाली में सोमेश घूम रहे थे, तो वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, और मुझे लगता है यहीं पर है, उससे नीचे नहीं है। जितना मैं ऊपर जाऊँगा, अभी जितना ऊपर जाऊँगा मैं रोहतांग की तरफ को, उतनी ज़्यादा बारिश मुझे मिलेगी है। और ऊपर यहाँ से मजाज गाँव दिख रहा है, जहाँ पर बहुत ठीक ठाक बारिश लगी हुई है अभी तक। हुआ दोस्तों ऊपर मजाज गाँव, यहाँ देखिए ऊपर धुंध दिख रही है। ये जितनी धुंध दिख रही है आप लोगों को, ये बारिश है। घर पहुँचते दोस्त बिल्कुल ही गिल्ला हो चुका हूँ मैं, बिल्कुल गिल्ला हो गया। मुझे लगा नहीं था इतनी बारिश पड़ेगी, लेकिन पड़ गई और गिल्ला हो गया, हाथ वगैरह इतने जाम हो गए भी जो गर्म नहीं होने वाले हैं। देखिए बारिश कितनी लगी हुई है। हाँ, अब ठीक हो गया, बड़ा अंधेरा आ रहा था, अब हो गया ना। प्याशे प्याशे चेहरे, क्या गेम है ये? ओथेलो। कहाँ उठा लो? ओथेलो। अच्छा, ओथेलो चला है जी, ओथेलो चला है यहाँ पे। और ये आ गई मेरी गोद में, इसको बड़ा बुरी लगी थी मेरी। बुरी? बुरी लगी?
ठिकाना को है परे मत है। चलिए तंदूर जला देते हैं दोस्तों। सारे हाथ काले हो गए लेकिन चलिए तंदूर जल गया, बहुत बढ़िया। अब आएगा मज़ा यहाँ बैठने का। ये जब से विंडो चेंज की है तब से इसकी यही हाल है दोस्तों, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है ये। मुझे बताइए क्या सलूशन है इसका, कैसे ये आगे बढ़ेगा? रुक गया चाहिए। गिरी 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 क्यों? Hee